जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, मन को स्थिर करने के उपाय। भगवान के नाम का जप, ध्यान और सत्संग आदि करने से तथा संसार के ऐश आराम, स्वाद और शौकीनी से वैराग्य का अभ्यास करने से मन स्थिर हो सकता है। कुछ उपाय नीचे लिख दे रहा हूँ। पहला, मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ भगवान के स्वरूप चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा, मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ से खींचकर भगवान के स्वरूप में लगाना चाहिए। तीसरा, सत्संग की बातों को बहुत उत्तम और अनमोल समझकर मन को उन्हीं में लगाना चाहिए। चौथा, भगवान के नाम का जप मुख से या श्वास द्वारा लगातार करने का अभ्यास करना चाहिए। पांचवा, संसार में जितनी भी वस्तुएं दिखती हैं सब नाशवान हैं, इस प्रकार की धारणा करने से भी वैराग्य होकर मन स्थिर हो सकता है। छठा, संसार और शरीर सब क्षणभंगुर हैं, भोग सभी रोग रूप हैं तथा अंत में ग्लानी तथा दुख उत्पन्न करने वाले हैं, इस प्रकार समझने से भी जगत से वैराग्य होकर मन स्थिर हो सकता है। सातवां, अपनी जो सबसे प्यारी वस्तु हो उसमें भगवान की भावना करके मन को स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए। और भी कई प्रकार के उपाय हो सकते हैं। इनमें से एक भी उपाय अच्छी प्रकार कर लिया जाए तो मन स्थिर हो सकता है और भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। इसलिए किसी न किसी उपाय का अवलंबन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य शरीर पाकर अपना एक पल भी व्यर्थ के काम में बिताता है वह अपने बहुमूल्य रत्न को धूल में मिला देता है। मनुष्य को प्रति क्षण भगवान का भजन ध्यान करते रहना चाहिए। प्रत्येक समय ध्यान पूर्वक नाम जप करना ही सार है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहज ही धुनी होते हैं सोई सुमिरन सार। इस प्रकार का स्मरण हृदय में हर समय होता है। यदि उसमें मन लगा रहे तो फिर आनंद ही आनंद है तथा हृदय में बिना ही जपे जाप हो रहा है। उसमें मन लग जाए तो फिर कहना ही क्या, भीतर जप तो हो ही रहा है, उसकी ओर ध्यान रखना चाहिए। निष्काम भाव से जितना ही अधिक ध्यान और जप हो उतना ही अधिक करने की चेष्टा करनी चाहिए, यही असली काम है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका